नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस डॉट एडुकेयर में। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए तो आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हम नेक्स्ट पार्ट लाए हैं और चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी। देखिए, श्रृंखला की बात कर रहा है, ठीक है ना, पर्वत पर्टिकुलर पर्वत की बात नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर किसी चोटी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, हम पर्टिकुलर एक श्रृंखला की बात कर रहे हैं। कौन सी श्रृंखला निम्न में से सबसे प्राचीन थे, मैंने सबसे पुरानी है। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं कि हिमालय। हिमालय देखिए सबसे नवीनतम है, ठीक है ना, हिमालय क्या है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। दूसरे नंबर पर अरावली, देखिए अरावली भी पुरानी है। विंध्याचल की बात करते हैं, विंध्य श्रेणी भी सबसे पुरानी है, सतपुड़ा भी पुरानी है। आप तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि यहाँ तीन तीन ऑप्शन हैं सबसे पुराने और सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला के, लेकिन इन तीनों में जो सबसे प्राचीनतम वो है अरावली, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अरावली की अगर हम बात करें तो ये गुजरात के पालनपुर, गुजरात में एक जगह है पालनपुर, क्या नाम है, पालनपुर। पालनपुर से शुरू होते हुए और फिर उसके बाद ये राजस्थान जाती है, राजस्थान के बाद हरियाणा जाती है, फिर दिल्ली जाती है, यानी गुजरात से स्टार्ट होगी चार राज्यों में, ठीक है ना, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत का जो सबसे उत्तरी छोर है वो आपका दिल्ली तक जाता है। दिल्ली में कहाँ तक, दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स, वो लास्ट छोर है आपके अरावली पर्वत का, और स्टार्टिंग कहाँ से, गुजरात के पालनपुर से, ठीक है ना। तो ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि ये काल पूछता है, हमेशा काल पूछता है कि किस काल का है, ठीक है ना, तो प्री कैम्ब्रियन काल का है। ये लगभग आपको बता दें कि 600 से लेके 557 मिलियन ईयर वर्ष पुराना है, ठीक है ना, 600 से लेके 557 मिलियन वर्ष पुराना यह है पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि जो अरावली की पर्वत श्रेणी है, इसकी जो सबसे मैक्सिमम जो रेंज है वो कहाँ पे लगती है, तो वो आपकी लगती है राजस्थान में, ठीक है ना, कहाँ पे लगती है, राजस्थान में इसकी सबसे ज़्यादा रेंज लगती है, ठीक है। अच्छा, इसके जो सबसे ऊँची चोटी है उसका नाम है आपका गुरु शिखर, क्या नाम है, गुरु शिखर। ये कितनी ऊँची है, ये अक्सर पूछता है, ठीक है ना, 1722 मीटर है, कितना, 1722 मीटर इसकी ऊंची चोटी है, और सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी, अरावली की, गुरु शिखर, ठीक है ना। ये बिल्कुल पर्टिकुलर याद होना चाहिए क्योंकि अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर, ये हमेशा पूछता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, दक्षिण भारत की बात कर रहा है, हमारा जो ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है ना, ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, ये गुजरात से लेके यहाँ उड़ीसा तक, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि जो ये प्रायद्वीपीय हमारा भारत है या दक्षिण भारत, हम दक्षिण भारत में यहाँ से यहाँ तक टोटल काउंट करते हैं, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनाई मुड़ी। देखिए, अनाई मुड़ी इसके कई नाम हैं, पहले एक अन्ना मुड़ी, ठीक है ना, अन्ना मुड़ी, अन्ना मुड़ी ये भी एक नाम से जाना जाता है, एक सिर्फ अना मुड़ी, ठीक है ना, अन्ना मुड़ी, और तीसरा नाम है अनाई मुड़ी, तीनों नाम से जाना जाता है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, जो अनाई मुड़ी है ये पूरी की पूरी कहाँ पे है, केरल में। अक्सर पूछता है कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किस राज्य में अवस्थित है, तो कहाँ पे है, केरल में, और किस रेंज में है, तो ये आपका जो पश्चिमी, हमारा जो वेस्टर्न घाट आता है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है ना। ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा क्योंकि अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ये नीलगिरी का हिस्सा बता देते हैं और तमाम जो है दोदा बेटा का हिस्सा, मतलब नहीं जानते तो कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो ये आपका वेस्टर्न घाट जो है ना, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। चलिए थर्ड की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या है, देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन स्थित है, कौन का मतलब राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, बिंद की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ। तो देखिए, इन तीनों में जो सबसे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, क्योंकि जो हमारा
जो मध्य भारत का हिस्सा लगता है ना, जो मध्य प्रदेश है, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश, तो हमारे जो ये है अरावली की रेंज, अरावली की जब हम उत्तर में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी नदी है कौन, नर्मदा, ठीक है ना। नॉर्थ में जाएंगे तो नर्मदा है, और साउथ में जाएंगे तो ताप्ती है, ठीक। तो ये जो हमारा सतपुड़ा की जो रेंज है, सतपुड़ा की ही ऐसी रेंज है कि जिसके उत्तर में यानी नॉर्थ में नर्मदा नदी और साउथ में ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में। लेकिन जो सतपुड़ा की रेंज है, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, ये सतपुड़ा की जो रेंज है आपके बिहार तक जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और वेस्टर्न, वेस्टर्न घाट का मतलब यहां पे क्या है, पश्चिमी घाट, ठीक, पश्चिमी घाट। तो निम्नलिखित में से किस पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है, मिलने का जो परफेक्ट जो प्लेस है वो क्या है, वो नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है ना। एक्चुअली नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो 3 स्टेट में है, पहला कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में, ये तीनों राज्य का बॉर्डर साझा करती है, ठीक है ना। और इसी पे सिचुएटेड है आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट। जो हमारा अगर हम फिगर के माध्यम से समझाएं तो हमारा ये जो है कौन सा, ये जो दक्षिण भारत है ना, तो ये हमारा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक, और ये आपका पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट, ठीक है। ये दोनों आके जहाँ पे मिलते हैं इसको हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक। तो ये इधर केरल है, इधर कर्नाटक है, और ये तमिलनाडु में, तीनों स्टेट में जुड़ी हुई है, तीनों का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 कि दोदा बेटा चोटी कहाँ पर स्थित है, दोदा बेटा की बात करते हैं कहाँ पर स्थित है, ठीक है जी, कहाँ पर दोदा बेटा चोटी कहाँ पर स्थित है। ये आपके जो नीलगिरी की पहाड़ी है ना, जस्ट मैंने बताया कि ये जो हमारा नीलगिरी की पहाड़ी है, यही इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे निकल जाती है साउथ के संदर्भ में, ठीक है ना। एक तो होता है कि जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाई मुड़ी, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो दोदा बेटी। देखिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है ना, ये दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जो हमारा जो अनाई मुड़ी है उसकी जो ऊंचाई है 2695 किलोमीटर, ठीक है ना, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम दोदा बेटा की बात करें, जो नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो 2635 मीटर है, ठीक है ना, ये मीटर में है, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंट बिल्कुल समझ लीजिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वो दोदा बेटा, ठीक है ना, और दोदा बेटा की जो ऊंचाई है वो 2635 मीटर है, ठीक है ना, न कि किलोमीटर में। अगर किलोमीटर में आप चेंज करेंगे तो ये 2.635 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 3 डिजिट के बाद जो है लेफ्ट हैंड पे हम सुना लगा देंगे तो हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलिए 6 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल है। देखिए मैंने बताया ना, मिलन स्थल की बात करता है, ये साउथ में जो हमारा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और ये तीनों राज्यों में है, इधर आपका केरला है, ये आपका कर्नाटक है, ये तमिलनाडु, तीनों राज्यों में जो नीलगिरी पर्वत मिलता है, ठीक है ना, नीलगिरी पर्वत तीनों राज्यों में, हमने जस्ट बताया कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2635 मीटर, ठीक है ना, 2635 मीटर, ये इसकी ऊंचाई, सबसे ऊंचाई ऊंची चोटी कौन सी है नीलगिरी की, दोदा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, 7 क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, देखिए सही नहीं है पूछ रहा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं कि वेस्टर्न घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, देखिए यही सही नहीं है, ठीक है ना, ये गलत है। क्यों गलत है कि देखिए हमारा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट, तो इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है ना, ये तो ये दक्षिण में यानी साउथ में सबसे ऊंची है, और इधर उत्तर में जाते जाते कम हो जाती है, इसीलिए कि हमारा जो केरल में पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, हमने क्या बताया अनाई मुड़ी, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी या उसकी जो ऊंचाई है कितनी है 2695 मीटर, और कहाँ पे है वो, केरल में।
तो जाहिर सी बात है कि हमारा साउथ में जो पश्चिमी घाट है ये ऊंचा होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम दक्षिण उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे ये, और इसका ढलान क्या होता है, कम होता जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये गलत है। अधिक ऊंचाई पे नहीं, अधिक ढाल पे है, ये साउथ में ज़्यादा ऊंचा पे है ये, ठीक है ना। ये केरला से, केरला में इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। केरला के बाद फिर इधर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक होते होते ये बिल्कुल इसका ढाल निम्न हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट में अनाई मुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही बात है, जिसकी ऊंचाई हमने जस्ट बताया 2695 मीटर है। हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, हमने बिल्कुल सही बताया कि ये जो मध्य प्रदेश हमारा इलाका था, मध्य प्रदेश के साउथ में कौन सी थी नदी, नर्मदा, सॉरी नॉर्थ में नर्मदा थी और साउथ में कौन सी थी, ताप्ती नदी। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी सही है कि ताप्ती नदी सतपुड़ा के किस में है, दक्षिणतम भाग में है। डी की बात करते हैं कि नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं, बिल्कुल सही है कि ये क्या है, ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से होते हुए चूंकि कहाँ अरब सागर में जाके मिलने वाली नदियां हैं, और भारत की ये दो ऐसी नदियां हैं कि जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। ये देखिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर पूछता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली निम्न में से कौन नदियां हैं, तो उसमें नर्मदा, नादी, ताप्ती जरूर नाम आता है, ठीक है ना। उससे राजस्थान में आप जाएंगे तो लूनी है, साबरमती है, तमाम नदियां हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से सबसे लंबी नदी की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती है, कि जो आपके मध्य प्रदेश से निकलते हुए अमरकंटक से कुछ निकलती हैं, कुछ आपके जो है बैतूल से निकलती हैं, और ये निकलते हुए कहाँ अरब सागर में जाके गिर जाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, ठीक, 8 कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य में है, ठीक है ना। ये चार ऑप्शन हैं, चारों पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ऐसी पर्वत श्रेणी है कि जो सिर्फ एक राज्य में है। चलिए हम अरावली की बात करते हैं, अरावली कितने राज्यों में है, चार राज्यों में, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में, चार राज्यों में है, तो ये तो गलत हो गया। सतपुड़ा की बात करते हैं, सतपुड़ा हमारा मध्य प्रदेश में है और कहाँ पे, बिहार में। एक्चुअली जो इसकी बिहार, बिहार की जो इसका पूर्वी छोर है, सतपुड़ा का जो सबसे पूर्वी छोर है वो बिहार तक जाता है, और यूपी से जैसे आप बिहार में जाएंगे तो पहला जिला पड़ता है भभुआ, और भभुआ में कैमूर की घाटी है, किसकी घाटी, कैमूर की। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैमूर रेंज है, ठीक है ना। तो कैमूर क्या है, सतपुड़ा की सबसे पूर्वी छोर है। तो ये दो राज्य में हो गया ना, एक मध्य प्रदेश में और दूसरा बिहार में, तो सतपुड़ा भी गलत हो गया क्योंकि सतपुड़ा भी दो राज्यों में है। चलिए अजंता की बात करते हैं, अजंता, अजंता सिर्फ कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है, ठीक है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, अजंता की जो गुफाएं हैं या अजंता जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, अजंता। चलिए नीलगिरी की बात करें, नीलगिरी भी हमने बता दिया कि नीलगिरी भी तीन राज्यों में है, कहाँ पे, केरल में है, कर्नाटक में है और तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर है सी, अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में है। चलिए 9th की बात करते हैं हम कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में वेस्टर्न घाट क्या कहलाते हैं। देखिए वेस्टर्न घाट के पहले हम छाया बनाते हैं, ठीक, ठीक है। तो ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में वेस्टर्न घाट क्या कहलाते हैं, देखिए हमने ये दक्षिण भारत का मैप बना दिया, वेस्टर्न घाट हमारा गुजरात से स्टार्ट होते हुए एक कन्याकुमारी तक जाता है, इसको हम वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट बोलते हैं, ठीक, ये पश्चिमी घाट। अभी पूछ रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, चूंकि देखिए ये तो गुजरात के एरिया होगा, यहाँ से लेके ये महाराष्ट्र है, ठीक है ना, महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक यानी बीच में गोवा भी आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, इसका जो सही, तो मैं आपको बता दूँ इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री, इसको अगर हिंदी में लिखेंगे सह्याद्री, ठीक, इसको सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। अगर हम स्पेशली पर्टिकुलर प्लेस की बात करें कि किनकी किनके बीच में सह्याद्री नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, लेकिन ये पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है ना। उसके नीचे आएंगे तो तमाम चीज़, कोंकण रेलवे भी पड़ता है, आप इधर पश्चिमी घाट को भी तीन जोन में बांटे हैं हम, पूर्वी घाट को भी हम तीन जोन में बांटते हैं, ठीक है ना, एक उत्तरी सरकार हो गया, फिर इधर जो है आपका कृष्णा कावेरी, कृष्णा क्षेत्र हो गया, फिर इधर कोंकण आ जाता, सॉरी काराकोरम आ जाता है, ठीक है, सॉरी काराकोरम नहीं होता ये,
ये होता है आपका जो इधर तो कोंकण रेलवे हो जाता है, कोरोमंडल तट हो जाता है, ठीक है ना, ये कोरोमंडल तट हो जाता है। क्योंकि अगर पूर्वी घाट को हम 3 भागों में बांटते हैं तो जो आपका इधर का हिस्सा होता है इसको हम उत्तरी सरकार बोलते हैं, ये कृष्णा गोदावरी क्षेत्र बोलते हैं, इधर का आपका कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम पश्चिमी घाट को भी 3 हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें एक सह्याद्री भी है, कोंकण रेलवे भी है, और आपका जो है विभाजन होता है, ठीक है ना। तो आप जो वेस्टर्न घाट है हमारा, इसको हम सह्याद्री नाम से भी जानते हैं, या ऑप्शन में कहीं कहीं नहीं मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मिलता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक। 10 क्या है, यानी 10वां। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं, पहले आपको बता दें कि तमिलनाडु और केरल, ठीक, केरल और तमिलनाडु दो राज्य हैं, ठीक है। ये दक्षिण भारत का ये जो केरल है और ये आपका तमिलनाडु है, यहीं पे कार्डमम हिल पाया जाता है, जिसको हम इलायची की पहाड़ी कहते हैं, ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन के भी नाम से हम जानते हैं, या कार्डमम हिल्स के भी नाम से हम इसको बोलते हैं। कार्डमम का जो हिंदी वर्जन होता है वो इलायची होता है, यानी इलायची की पहाड़ियों के भी नाम से जानते हैं। और किस किस राज्य में है, एक केरल और तमिलनाडु, दो राज्यों में, ठीक है ना, दो राज्यों में है, केरल और तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए तो ये रहा आज का हमारा ज्योग्राफी का सेशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो मित्रों, तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।